अस्सलाम वालेकुम। अम्यूजर स्टूडियो में हमारी आज की मंजिल होगी मार्गिला हिल्स इस्लामाबाद। मार्गिला हिल्स इस्लामाबाद का पहाड़ी सिलसिला है जिसके फेमस हाइकिंग पॉइंट्स हैं ट्रेल 5, ब्रूटी टॉप, ट्रेल 3 और ट्रेल 6। और हमारा आज का सफर होगा ब्रूटी टॉप के लिए। ब्रूटी टॉप के लिए आप दो रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला रास्ता जिसमें आप पीर सुहावा से ट्रैकिंग करके ब्रूटी टॉप तक जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता इमाम बरी से ब्रूटी टॉप तक जाता है, और हम इसी रास्ते से ब्रूटी टॉप तक जाएंगे। इस रास्ते में आपको खूबसूरत ब्रूटी वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगी। तो इस टाइम हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारी वो जगह है जहाँ पे आप ब्रूटी का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आप अपनी गाड़ी पार्क करें। ये देखें जिस तरह हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं। तो चलें ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, टाइम ज़ाया नहीं करना हमने। ट्रैक तो बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम लोग इस वक्त बारिश में ये ट्रैक पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि स्लिपरी भी हो सकता है। लेकिन अभी तक तो स्लिपरी ट्रैक यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि पथरीला ट्रैक है सारा, इसलिए हम अभी तक तो कोई डिफ़िकल्टी हमें हुई नहीं। जी फैज़ान, कैसा लग रहा है आपको इस बारिश के मौसम में इस ट्रैक को कवर करते हुए? माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। वो काफ़ी दिनों से हम प्लान भी कर रहे थे, लेकिन प्लान बन नहीं पा रहा था बारिश की वजह से। डेली फोरकास्ट देखते थे, तो फोरकास्ट में जो है डेली बारिश आ रही थी, तो आज हमने प्लान बनाया कि चलो ये बारिश को भी आज इंजॉय करते हैं, ये भी एक अपना ही मज़ा है। तो हमारे जो हैं कज़न काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन हम ये जो है ये अब देख सकते हैं। अल्लाह की कुदरत, कितना प्यारा व्यू है माशाल्लाह। ये हमने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं रास्ते से ही वापस चले गए थे, लेकिन हमने जो है सोचा कि नहीं भाई, अभी यहाँ पे आए हैं तो ये पॉइंट जो है वो सर करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ग्रुप मेंबर्स और हम रास्ते से थोड़ा भटक गए हैं,
हाँ जी, कहाँ पे हैं वो? किधर? ये जो रास्ता है काफ़ी डिफिकल्ट से डिफ़िकल्ट ट्रैक होता जा रहा है और इसको कवर करना उससे भी ज़्यादा बारिश के मौसम में डिफ़िकल्ट होता जा रहा है मेरे लिए। और ये देखें एक छोटा सा पौंड जो बहुत ही खूबसूरत पौंड है, अभी ये हमें रास्ते में मिला ब्रूटी के रास्ते में। तो इसी तरह के बहुत सारे वो देखें आगे एक और छोटा सा पौंड ये आपको मिलेंगे ब्रूटी के रास्ते में। तो चलें अभी आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। ये देखें ये सारे रास्ते इसी तरह के आपको छोटे छोटे से पौंड मिलते रहेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा करीब से जाके आपको दिखाता हूँ कि ये पौंड कैसा है। ये देखें ये सारा ब्रूटी का पाथ है, एक और वहाँ बड़ा ही छोटा सा और खूबसूरत सा ये पौंड है। तो चलें अब आगे अपने सफ़र को जारी रख। यहाँ से भी ट्रैवल करके ये देखें यहाँ से हाइक करके कितना ही खतरनाक रास्ता है। यहाँ से अभी ऊपर जाना है हमने। मोगली स्टाइल अभी और ऊपर अभी जाना है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है। चलें अपना ये हाइकिंग का सफ़र जारी रखते हैं। ये पाथ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखें इस तरह के छोटे छोटे से पौंड आपको बहुत जगह पे मिलेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप लोग पिकनिक कर सकते हैं, बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे बारिश ना हो रही हो। थोड़ा सा ऊपर हाइकिंग अगर आप करें तो आपको ये दिलकश नज़ारा यहाँ से पूरे का पूरा इस्लामाबाद यहाँ से आपको नज़र आएगा। ये देखें वो रावल डैम है
और यहाँ से ये व्यू कितना ही ज़बरदस्त है। रावल झील, झील लेते हो। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।